विक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी का भी अपने हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के यहां पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण यहां पर इस सभागार में उपस्थित सभी समस्त महानुभाव और प्यारे प्यारे बच्चों और सभी मीडिया के कर्मियों आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। किसी भी समाज के उत्थान के लिए और सांस्कृतिक नागरिकों के सर्वांगीण विकास में एक मूलभूत मील का पत्थर साबित होता है और बिना शिक्षा के विकसित समाज की कल्पना करना असंभव है और इसीलिए हमने सर्व समाज के लिए हर एक वर्ग के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किया। हम सब सर्व समाज को शिक्षित बनाने के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में हम हर एक विद्यालय तक अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने में सफल हुए। हमने अपने जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं 2017 में हमारे परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी उस स्थिति से अगर हम आज तुलना करते हैं तो वर्तमान की स्थिति में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सभी विद्यालय हर एक सुविधा से 100% संतृप्त हो चुके हैं, लेकिन हम लगभग 95% तक हर एक विद्यालय में सभी 19 पैरामीटर्स की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में हम सब लोग सफल हो गए और मैं बहुत जल्द आश्वस्त करता हूं कि 100% हर एक विद्यालय में हमारे पूरे जितने 19 पैरामीटर्स पे हम सब लोग काम कर रहे हैं उन पैरामीटर्स को हम सब लोग बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। हम सब लोगों ने अपने विद्यालयों को, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और जब हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हुए आधुनिक शिक्षा से दूर रखते हुए हम एक बेहतर उनके भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमने अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं लगभग 2,09,863 हम सब लोगों ने हर एक विद्यालय को दो दो टैबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके इस कार्य को भी पूर्ण हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हम सब लोगों ने 880 आईसीटी लैब्स भी स्थापित की हैं और इसी के साथ साथ 18,381 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100% स्मार्ट क्लास की स्थापना भी की जा चुकी है।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सब लोग पहले चरण में हमारे लगभग 88 लाख से अधिक छात्रों छात्रों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे, स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए आज डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 1200 रुपए की धनराशि आज अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का शुभ कार्य आज पूर्ण किया जाएगा। और दूसरे चरण में हमारे जितने बच्चे शेष हैं इस जुलाई माह में इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% जितने बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में एनरोल्ड हैं हर एक बच्चे के अभिभावक के खाते तक इस जुलाई माह में हम सब लोग जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण होता चला जाएगा इसको जुलाई माह में 100% हर एक बच्चे के खाते में इस धनराशि को भेजने का काम सुनिश्चित हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की हमारी बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत विगत वर्ष लगभग 10,213 प्रशिक्षकों के माध्यम से 16.70 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में कमजोर वर्ग की बालिकाओं को निशुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिसमें लगभग 83,172 बालिकाएं पंजीकृत हैं। इन बालिकाओं की कक्षा 9 से 12 तक की निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु वर्तमान में 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 136 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का लोकार्पण पूर्व में किया जा चुका है और 165 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का लोकार्पण अभी वर्तमान में किया जाना प्रस्तावित है, जो कि पूर्ण की जा चुकी है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से रैंडम रूप से चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का माह दिसंबर 2023 में आकलन पूर्ण कराया गया। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए सैंपल आकलन में प्रथम दृष्टया 16,170 विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में सफल हुए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे विभाग के लिए सफलता है। शिक्षकों के कार्यों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से हम सब लोगों ने जिन शिक्षकों ने अपने मन से बेहतर कार्य किया है उन सभी शिक्षकों को प्राथमिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज सम्मानित भी किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे एनसीईआरटी में कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो किताबें एनसीईआरटी की हैं उस एनसीईआरटी की किताबों को हम सब लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश के एससीईआरटी के माध्यम से अपने करिकुलम को भी उसके साथ में जोड़ते हुए आज बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 272 प्राथमिक विद्यालय और 570 कंपोजिट विद्यालय एवं 83 माध्यमिक विद्यालयों का भी चयन करते हुए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में इन 925 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं जैसे आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, बाल वाटिका यूनिट, अतिरिक्त कक्षाएं का निर्माण, फर्नीचर एवं खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराए जाने की कार्य योजना का भी संचालन किया जा चुका है। विद्यालय में गुणवत्तापरक शिक्षा किए जाने एवं पठन पाठन संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सामान्य के लिए टोल फ्री नंबर भी आज से 1800-889-3277 विभाग द्वारा प्रथम बार आज निर्गत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई भी हमारे अभिभावकों को समस्या हो इस टोल फ्री नंबर पे अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं और समय के अंतर्गत
इसको नोट किया जाएगा कि समय के अंतर्गत उन समस्याओं को हम सब लोग निस्तारित करते हुए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधा देने में हम सब लोग निरंतर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें सफल रह सकें। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में एक बुनियादी शिक्षा को सशक्त एवं मजबूत रूप देने में हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोगों ने प्रेरणा लेकर के जिस काम को अपने प्रदेश को एक उज्ज्वल प्रदेश और देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान हो, इस संकल्प के साथ जो हम सब लोग आगे बढ़े हैं, इस संकल्प को हमारी शिक्षा विभाग जो कि एक बहुत ही मूलभूत उसमें अंग निभाता है कि देश का और प्रदेश का जब विकास हम सब लोग देखते हैं तो उसमें सबसे मजबूत अंग होता है कि देश के और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। इस शिक्षा व्यवस्था को हम सब लोग सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी एवं समस्त अधिकारीगण जो आज के हमारे कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है, उनका हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास, विमोचन और अंतरण का, शुभारंभ का। जैसा कि आप सब जानते